इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अंग्रेजी का एक शब्द है प्रोफेशनल क्रिमिनल। जहां अपराधी बार बार गुनाह करता है, वो अपराध को अपना व्यवसाय बना लेता है। पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखती है और कोशिश करती है कि उन्हें अपराध होने से पहले ही पकड़ ले। पर एक आम आदमी जो अपराध की दुनिया से कोसों दूर है और वो जब चाहे अनचाहे गुनाह करता है, तो पुलिस से हमारी उम्मीद क्या होती है? हम उनसे कहीं ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगा बैठे है ना, जैसे कि वो कोई अंतर्यामी है। चला नहीं, चला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आ जा, नहीं, नहीं, अरे छोड़ो, अरे कुछ नहीं होगा, बंद करो यार। बच्चे के साथ ना, नहीं, 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं, चल चल पापा प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, अरे बेटा मामा पापा है ना। देख कितना स्ट्रांग फीलिंग है, देख देख बेटा ऊपर चल, वेरी गुड। नीचे देख कितना नीचे, तू जबरदस्ती घबरा रहा है। ये देख कुछ नहीं है, बहुत बेटा कुछ नहीं होगा। अर्पित बेटा, अर्पित इस बार तू टॉप कर गई। गुड, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या टॉप पापा, अगर अर्पित के 7 नंबर भी ज्यादा आए होते ना तो वो टॉप कर जाता। कैसी बातें कर रही है तू, जीत जीत होती है भले वो 1 नंबर से क्यों ना, समझी? और बेटा तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो ना? दोस्त तो नहीं, पर हम एक दूसरे को स्टडीज में हेल्प कर देते हैं। कॉलेज में उसका ग्रुप अलग है और मेरा अलग। सही नंबर लाई ना, मैं तो बहुत खुश हूं। अरे अर्पित क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होता, हम लोग हैं ना। इतना डर ऊंचाई से, तेरी वजह से हम प्लेन में भी ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। हाँ, और अगर तेरी जॉब लग गई विदेश में तो नहीं जाऊंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहीं जॉब करूंगा और ट्रेन से ट्रैवल करूंगा। ये लड़का भी ना, इसका ऊंचाई का डर कभी निकलेगा ही। बेटा दूध, रिया, अरे मेरी बात तो सुन। दूध नहीं, मुझे एनी टाइम म्यूजिक। अरे मम्मी एयरपोर्ट। दूध मुझे लेट हो रहा है मम्मी, प्लीज थोड़ा सा, थोड़ा सा। इतनी जल्दी में रहती है? अरे ये क्या? हाँ, और थोड़ा सा, मुझे लेट हो रहा है मम्मी। बाय बाय। अरे बाय डैडी। बाय बेटा। बाय। पता नहीं कब बड़ी होगी, हमेशा जल्दी में रहती है। और ये म्यूजिक, अरे नाश्ता नहीं किया अभी तक आपने? ये लीजिए चाय। क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम। मम्मी प्लीज, अरे मम्मी प्लीज प्लीज, अरे दे दो ना यार मम्मी, कभी तो खाने दो यार मुझे। अरे अरे दर्द हो रहा है मम्मी, प्लीज प्लीज। आइसक्रीम कौन खाता है? आपका बेटा खाता है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी बेटा। तो नहीं खाऊंगा प्लीज। पक्का?
पक्का। अरे अर्पित, ये तेरे कॉलेज में कोई ड्रग का चक्कर तो नहीं है ना? क्यों, आपको भी ड्रग्स का चक्कर चलाना है क्या मेरे कॉलेज में? अरे सॉरी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरा कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में। न्यूज़पेपर पढ़ो तो यही पता चलता है कि कॉलेज में आजकल बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। पापा, मैं नहीं लेता ड्रग्स। पक्का? पक्का। मेरे लिए आप दोनों की इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। लड़का भी ना बिल्कुल नहीं सुधर सकता। सर आ तेरा? अरे बता क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ क्या? रिया, रिया क्या हुआ है? अर्पित खोल, नाश्ते में आइसक्रीम, लंच में आइसक्रीम और डिनर के बाद भी आइसक्रीम। हाँ, आई लव आइसक्रीम। अरे आप दरवाजे से कुश्ती लड़ना बंद करिए। पहले तो बाहर आ। मैं जानता हूँ आप में काफी ताकत है। अरे आपको तो शक्तिमान की टीम में होना चाहिए। हाँ हाँ, पौष्टिक खाना खाती हूँ, तेरी तरह नहीं जो सारे टाइम जंक फूड और आइसक्रीम। देख कितना दुबला हो गया है तू। इट्स अ ग्रोइंग एज माँ, अभी मेरी हाइट बढ़ रही है। जैसे ही मेरी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी मेरा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। कहाँ से लाता है तो ये उटपटांग बहाने? और ये तेरा फोन, ये इतना क्यों बज रहा है आज? लगता है उसे भी आपकी तरह मुझे आइसक्रीम खाना नहीं पसंद। गुड नाइट। ये लड़का भी ना अभी भी बच्चा ही है। अरे सुमित मेरे भाई, कितने दिनों बाद। अर्पित, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया।
मैं इंडिया आ रहा हूँ और अब तू नहीं बचेगा, देख लेना। हेलो, रिया ने अपने पोस्ट पे तुझ पे ब्लेम लगाया है उसके रेप का। कौन सी पोस्ट? और पोस्ट वायरल हो गया है। वायरल? मैं देखता हूँ। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अर्पित ने सच में। तो तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये पोस्ट झूठी है। रिया आंटी अंकल को बताया? नहीं, मैं गई थी उठ के रूम में उन्हें बताने, पर वो सो चुके थे। जगाकर ये सब बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। कल सुबह तक उन्हें पता चल ही जाएगा। ये क्या पोस्ट किया है तूने? डिलीट करिए पोस्ट को। मेरे मॉम डैड देख ले उससे पहले, डिलीट कर दे यार। मेरे फैमिली की कितनी बदनामी होगी पता है तुझे? और तूने जो रिया के साथ किया है वो? तुम में से किसी ने अपनी आंखों से देखा ही है करते हुए? यार 7 साल से हूँ मैं तुम्हारे साथ ये स्कूल में, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ मुझे तो शौक चढ़ा है ना अपनी बदनामी करवाने का, अपनी पेरेंट्स की बदनामी करवाने का, है ना? जबरदस्ती करता है हा? ये वही लड़का है क्या तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट वाला? इसको तो हम बताते। चल, चल। हमने तुम्हारा पोस्ट देखा, चलो बेटा चलो।
तेरे जैसे लोगों को पैदा होते ही मर जाते हैं। समझो, समझो, समझो। अभी भी किसी से रब काटे। कंधे। वो कहते हैं ना कि सपनों के टूटने का दर्द उतना नहीं होता है, पर उनसे जुड़ी उम्मीदें जब टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। हमारे समाज में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि माँ बाप की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अर्पित इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच रहा था। उनकी बदनामी का खौफ उसे खाए जा रहा था। हाँ बेटा अर्पित, बेटा कहाँ है तू? बेटा तू घर जल्दी वापस आ, हमने वो रिया की पोस्ट देखी। पापा मेरे रिया का रेप नहीं किया है, पता नहीं क्यों उसने अपने पोस्ट पे ये सब लिख दिया। I swear पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। बेटा मैं जानता हूँ कि तू कोई गलत काम नहीं कर सकता, बेटा तू घर जल्दी वापस आ जा बस। पापा तेरे साथ है अर्पित, हमें पता तू कोई गलत काम नहीं कर सकता, घर लौटा बेटा। पापा मम्मी अब मुझे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता। I love you, पापा। I love you, मम्मी। आपकी बदनामी मैं देख नहीं पाऊंगा। अर्पित, अर्पित तुझे मेरी कसम है, तू कुछ गलत मत कर बैठना अर्पित। अर्पित बेटा, बेटा घर आ जा, बेटा कुछ ऐसा मत करना। अर्पित, 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 रोहन जी रुक जाइए, ऊंचाई से गिरने की वजह से आपके बेटे का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, आप देख नहीं पाएंगे। Ha ha ha!
हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में आज तक ये कभी नहीं हुआ है, रिया का रेप का वायरल पोस्ट और अर्पित का सुसाइड करना। हमारी कॉलेज की रेपुटेशन का तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि कौन सही है और कौन गलत। रिया और अर्पित दोनों टॉप करते थे, कभी रिया टॉप करती थी तो कभी अर्पित। रिया सच सच बोलो, जो तुमने इंटरनेट पे लिखा था क्या वो सच है? अगर मुझे पता होता कि अर्पित सुसाइड कर लेगा तो मैं वो पोस्ट कभी नहीं डालती, छुपा के रखती अपनी पूरी लाइफ कि कॉलेज की टेरेस पर उसने मेरा रेप किया। अर्पित मेरा दोस्त था और मेरे दोस्त ने मेरा रेप किया है। रेहा, मेरे दोस्त ने मेरा रेप किया। So my point is कि डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी का साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। न्यूटन की डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी नो डाउट कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा है, बट साइंस ह्यूमन इवोल्यूशन जैसा है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि न्यूटन होता ही नहीं तो ग्रेविटी का इन्वेंशन ही नहीं होता, और हम सब साले हवा में स्विमिंग कर रहे होते। मतलब तो न्यूटन को डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी का क्रेडिट नहीं देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, वो इस डिबेट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सही है। तू और अर्पित जो कर रहे थे ना, उसे डिबेट नहीं कहते, क्या कहते? फ्लर्ट। हम ना डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ हाँ, एक दूसरे को तिरछी नजर से स्माइल पास करके डिबेट ही कहते हैं। कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच। अगर हमारे बीच कुछ भी होता ना तो उन्हें आगे पीछे क्यों जाता? ए भगवान, इनका ये लव एंगल है ना पूरे कॉलेज में मिस्ट्री बना हुआ है। प्लीज, ये कोई लव ट्रायंगल वगैरह नहीं है। अब पूरा कॉलेज अपना सर फोड़ता रहे मेरी बला से। अब तो बता दे, तेरा चक्कर नेहा से है कि रिया से? मैं क्यों बताऊं, मेरी पर्सनल लाइफ है, दोनों ही मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर किया है?
कि कोई लड़की है या नहीं। अब हमें क्या, हमें तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती यार, अब हम क्या करें। अबे पढ़ाई पे ध्यान दे, टॉप फाइव में आओ सभी लड़कियां भाव देने लगेगी। टॉप फाइव भाई, अब तो हम कुंवारे ही मरेंगे। आर यू श्योर? यस मैडम, सिक्योरिटी स्टाफ को ये कॉलेज के टेरेस से मिला है और ये नशे वाला सिगरेट है, नॉर्मल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये नशे वाला सिगरेट है और हमें ये कॉलेज के टेरेस से मिला है। हमें नहीं पता कि ये स्टूडेंट का है या किसी स्टाफ का है, मगर अगर कैंपस के अंदर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह के ड्रग्स में इन्वॉल्व दिखा तो उसे तुरंत रस्टिगेट किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आपको आपका करियर प्यारा है या ये? कोई अगर स्टूडेंट पकड़ा गया तो रस्टिगेट, और अगर कोई स्टाफ पकड़ा गया तो उसको नौकरी से निकालेंगे या नहीं, ये तो मैडम ने बताया ही नहीं, वो तो मजे से फूकता रहेगा ना। लो, अब और भी सबूत चाहिए क्या? ना, पर तेरे और अर्पित के बीच कुछ तो है। वैसे कुछ भी बोलो, अर्पित और नेहा की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं ना। पापा, कल हमारी स्कूल में कुछ ड्रग्स की सिगरेट्स मिली। क्या? हाँ? तू तो ये सब नशे नहीं करता ना? एक काम करता हूँ, कल जाकर वो सिगरेट लाकर आपको दे देता हूँ। अब फॉरेंसिक लैब में जाकर मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक करवाइएगा। पक्का? पक्का। अर्पित, ये ड्रग्स लेकर कैसा लगता होगा? तुम्हारा मन कर रहा है क्या ड्रग्स लेने का? क्यों, तुम्हारा मन नहीं करता क्या? पापा कहते हैं कि मन तो 10 गलत चीजों का करता है, पर हमें हमारी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंट ही होता है। तो लिमिट बढ़ा देते हैं ना? मतलब? नहीं, वो एक्चुअली कविता कह रही थी कि तुम्हारी और नेहा की जोड़ी बहुत क्यूट है, लाइक मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। तो तुम्हें जलसी हो रही है क्या? हाँ थोड़ी सी। वैसे तुम्हें वो सुमित याद है क्या? हाँ, वो 10 के बाद कनाडा शिफ्ट हो गया था ना। मेरी ना बहुत बात होती है आजकल उससे। रियली? तुम्हें जलन हुई क्या? हाँ थोड़ी थोड़ी। ये चल क्या रहा है हमारे बीच? दोस्ती। आई होप बस दोस्ती हो। क्या ये आजकल के बच्चे स्टूडेंट एज में अफेयर की नॉनसेंस पाते? ये कॉलेज एडुकेशन के लिए है या? मैम, कॉलेज के बच्चों के बीच बस रूमर है। तो अर्पित नेहा का बॉयफ्रेंड है या रिया का? आई हैव नो आइडिया मैडम। अर्पित भाई, नेहा या रिया बताओ कौन है? हाँ
सर वो कॉलेज के टेरेस पर। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से आराम से बोलिए सब। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या अर्पित आपको टेरेस पे लेकर गया था? नहीं सर। फिर? वो मैंने अर्पित को टेरेस पर जाते हुए देखा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में मैंने उसे फॉलो किया। बेटा किस बात की क्यूरियोसिटी थी? सर वो कॉलेज में र्यूमर था कि टेरेस पर लोग ड्रग्स लेते हैं। बेटा तो क्या ये र्यूमर्स सच थे? आई मीन क्या अर्पित को तुमने टेरेस पर ड्रग्स लेते हुए देखा था? मुझे कुछ नहीं पता सर, पर अगर अर्पित जिंदा होता तो मैं उससे पूछती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्राइमा फेसिया एविडेंस, प्रथम दृष्टि सच को देखते हुए रिया को अरेस्ट कर लिया गया है, पर रिया माइनर है और एक पोस्ट की वजह से अर्पित की मौत क्या उसे कड़ी सजा दिलवा सकती है? जवाब है नहीं। रिया को जल्दी बेल मिल जाएगी। इंसाफ की ये लाइन जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक वो इंसान मासूम है, इसलिए जमानत का प्रावधान है। जेल इज एन एक्सेप्शन बट बेल इज अ रूल। दोनों ही टॉपर थे सर, हमारी कॉलेज की शान। फिर एक दिन एक टॉपर दूसरे टॉपर पे इल्जाम लगाता है कि इसने मेरा रेप किया और दूसरा टॉपर अपनी जान दे देता है। वैसे रिया झूठ नहीं बोलती, शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, और अर्पित ऐसा करेगा नामुमकिन सा लगता है सर। ये जो नेहा रिया और अर्पित का एक मिस्टीरियस ट्रायंगल था, क्या इसकी वजह से? तो ये तो नेहा और रिया के दोस्त ही बेहतर बता सकते हैं। जी सर। सर अर्पित को क्या 10 दिन से ऊपर हो गया? और अर्पित 7 साल से साथ में पढ़ते थे। सर अर्पित कुछ भी हो सकता है लेकिन वो रेपिस्ट नहीं हो सकता सर, मेरा मन नहीं मानता सर। कहीं आपकी और अर्पित की दोस्ती तो वजह नहीं बन गई कि रिया ने अर्पित पर इल्जाम लगाने की ठान ली? हो भी सकता है सर, क्योंकि अगर रिया के उस रेप वाले पोस्ट को हटा दूं तो शी इज अ वेरी गुड गर्ल। सर कहीं रिया किस वहम का शिकार तो नहीं हो गई? सर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि रिया अर्पित की गर्लफ्रेंड थी या नहीं। अगर रिया अर्पित की गर्लफ्रेंड थी तो उसने उसके ऊपर रेप का इल्जाम क्यों लगाया? तो रिया झूठ बोल रही है? पता नहीं सर, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है और उसे सच मान लिया। या ये भी हो सकता है कि रिया ने टॉप किया और उसी वजह से अर्पित चिढ़ गया होगा और उसने अपनी जान ले ली। सर पिछले साल से भी रिया टॉपर है, इस हिसाब से तो अर्पित को पहले ही रिया का। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिर जो मेरा दोस्त मर गया वो सच्चा था कि रिया? सर अर्पित ने सुसाइड क्यों किया था? अगर उसने रिया के साथ कुछ गलत नहीं किया तो जिंदा रह के उसकी पोस्ट का सामना करता। वैसे आप दोनों को क्या लगता है, अर्पित और रिया सिर्फ दोस्त थे या फिर दोस्त से ज्यादा? सर वो दोस्ती से ज्यादा ही लगे। हाँ पर रिया ये नहीं मानती थी, रिया हमेशा अर्पित को अपना दोस्त ही बोलती थी। सर हम अर्पित को 7 साल से जानते थे, अचानक एक दिन एक दोस्त अपने दोस्त का रेप कर दे, अपना एक दोस्त उसी दोस्त पे रेप का इल्जाम लगा दे, बहुत ही कंफ्यूजन था सर। पता नहीं क्या हुआ था दोनों के बीच उस दिन। रोहन जी, हमें आपके बेटे की इंटरनेट हिस्ट्री से काफी कुछ मिला है, अश्लील वेबसाइट्स, अनऑफिशियल चैटरूम्स की लिंक्स। आपको पता है ना कि इस तरह के चैटरूम में लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं?
ये सब देखने से मेरा बेटा रेपिस्ट हो गया क्या? स्कूल का टॉपर था वो सर। कभी कभी शराब पीता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घटिया इंसान हूँ। क्योंकि हर एक वो इंसान जो ये सब करता है वो क्रिमिनल है। रोहन जी, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लास्ट कॉल आप ही ने किया था आपके बेटे को। हाँ, तो? तो रोहन जी, ऐसा आपने क्या कह दिया था कि आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी और फिर जो हुआ? बस उसे फोन पर समझा रहा था कि बेटा घर वापस आ जा, जो कुछ भी हुआ हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। क्या आपका बेटा ड्रग्स कंज्यूम करता था? देखिए, हमने आपकी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को छाना है। काफी दोस्त थे उसके, ज्यादातर लड़के। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसी भी लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, फ्रेंड लिस्ट में ज्यादातर आपको लड़के ही मिलेंगे। इससे कुछ साबित होता है क्या? मेरी बेटी पहले दिन से अपने पोस्ट पर कायम कि अर्पित ने ही उसका रेप किया है। एग्जैक्टली, और उसी पोस्ट के चलते अर्पित की जान गई थी। मर्डर चार्जेस है आपकी बेटी पर। देखिए, पुलिस को हर एंगल से सोचना पड़ता है। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, पर जो हमें पूछना है वो तो हम आपसे पूछेंगे। तो क्या आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी? देखिए, हमारे हाथ कुछ लगा है जिससे ये केस सॉल्व हो सकता है। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगा और आप सभी का मुझे जवाब चाहिए उस पर, और आपस में कोई बहस नहीं करेगा, ठीक है? अर्पित के दोस्त के हिसाब से रिया ने एक बुरा सपना देखा और उसे वो सच मानकर बैठ गई, और नेहा के हिसाब से रिया किसी वहम का शिकार हुई है, और फिर वो कॉलेज की छत पर ड्रग्स का मिलना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पित और रिया दोनों अपनी मर्जी से कॉलेज के छत पर गए हो और वहां जाकर ड्रग्स का नशा किया हो? रिया के दोस्त के हिसाब से रिया और अर्पित का जो रिश्ता था वो सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि दोस्ती से कहीं ज्यादा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया और अर्पित ने नशा करने के बाद आपसी संबंध बनाए हो और फिर जब रिया को होश आया हो तो उसे लगा हो कि अर्पित ने उसका इस्तेमाल किया है? वैसे मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या अर्पित और रिया ने ड्रग्स लिया था या नहीं? अर्पित और रिया के पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि उनके बच्चों ने ड्रग्स को कभी भी हाथ नहीं लगाया है। पुलिस की ये थियोरी बिना वजन के निकली। माँ बाप अपने बच्चों पर हर पल नजर रख सकते हैं क्या? क्या ये संभव भी है कि उन्हें अपने बच्चों के हर पल की खबर हो? पुलिस आज भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके हाथ ऐसा कोई भी सुराग नहीं लगा है जिससे ये बता पाना मुमकिन हो कि रिया ने जो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो सच था या झूठ। अर्पित को क्यों मारा तुम लोगों ने? सब उसने रिया के साथ जो किया। यार, इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी नहीं हुई और तूने जज बनकर अपना फैसला भी सुना दिया। अजय, जमकर तोड़ा इन दोनों को और फिजिकल असॉल्ट का केस दर्ज कर इन पे। साहब,
अर्पित को किसने मारा? आप कहेंगे रिया की सोशल मीडिया पोस्ट ने। नहीं, अर्पित को मारा उन लोगों ने जो उसके पीछे पड़ गए। ना रिया से उनका कोई लेना था ना देना था, बस कुछ इमोशनल सा पड़ा और बेकाबू हो गए। वो लड़के जिन्होंने अर्पित को मारा वो बेरोजगार थे, पैसे ना कमा पाने का गुस्सा उनके अंदर था, और वो गुस्सा जब भीड़ में तब्दील हो जाता है तो वो बिना सोचे समझे बस। हजारों की तादाद में जब आप किसी को कोसना शुरू कर देंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो इंसान कुछ गलत कर बैठे। सोशल मीडिया पर आपाक होते ये लोग क्या सही दिशा में जा रहे हैं? जरा सोचिए।